अर्जुन म्यूजियम ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से एक छोटी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी बुजुर्ग लोग शरीक हुए और ईद उल अजहा के मौके पर जो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से जो इंतजाम किए गए उनके बारे में चर्चा हुई। बुजुर्गों के तरफ से भी कुछ सजेशंस मशवरे आए, जिसको हम लोगों ने नोट किया और उसको अमल करने के लिए हम लोग अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे। ऐसे मौके पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस कायदे कानून हैं, उनका इज्जत करना हम सबका ड्यूटी है, लेकिन साथ में ये भी एक जरूरी बात है कि कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। मैं तमाम सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग कहीं कुछ गलत चीज देख रहे हैं या अगर आपको उसकी खबर मिली है तो आप डायल 100 पे फोन करें या हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स को बताएं, हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर्स इंस्पेक्टर साहिबान को बताएं, डीसीपी को बताएं, हम लोग फौरन कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप कभी भी खुद अपने हाथ में कानून लेने का कोशिश नहीं करें। जीएचएमसी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम हर जगह रहती है, यह आपकी सेफ्टी के लिए है और हम लोग सब मिलकर ये एक जो जश्न का माहौल है ईद उल अधा, इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी लोग, सभी ऑफिसर इसमें आपकी मदद करें, आपके साथ शरीक हों। आने वाले समय में अभी बारिश का बहुत मौसम है, बहुत जगह सड़क पर पानी है, रोड स्लिपरी है, तो इसका भी थोड़ा सब लोग ध्यान रखें। इस समय जनरली रोड एक्सीडेंट थोड़ी बढ़ जाती है, बाइक पर जो लोग थोड़ी ज़्यादा स्पीड में घूमते हैं स्लिप करते हैं। अभी दो दिन पहले एक मौत हुई नॉर्थ जोन में, तो मैं इसलिए भी वो कहना चाहता हूं कि अगर सेलिब्रेशन का मकसद ये नहीं है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लो या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, थोड़ा अलर्ट रहना, थोड़ा समझ के रहना। और ऐसे इस मौके पर सभी बुजुर्गों को जो इस मीटिंग में आज शरीक हुए, उनको मैं सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, इन दिनों सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत लोग मिसयूज कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने केस बुक किया था बहुत लोगों के ऊपर। और आपके लिए मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते दो इंसान को 6 महीने की सजा भी हुई इसमें, जिसका अखबारों में जिक्र भी आया। तो सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ अपलोड कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि वो सही है या गलत। अगर गलत चीज आप अपलोड करेंगे तो आपके खिलाफ केस बुक होगा। कुछ लोगों ने इसके पहले देखा गया है कि दूसरे देशों की, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा का वीडियो लगा देते हैं कि ये हैदराबाद का जो है, ये बिल्कुल गलत चीज है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। इसी तरीके से जो बयानबाजी करते हैं, अगर आपके बयानबाजी से किसी मजहब के को चोट लगता है, उसके लोगों को, उसकी फीलिंग्स को हर्ट होती है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल है और तेलंगाना स्टेट आने के बाद से यहां जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रफ्तार है, ये देश में अव्वल नंबर पे है। और इसके लिए हम आप सब की जिम्मेवारी है कि हैदराबाद का अमनो चैन किसी भी हाल में गड़बड़ नहीं होने दिया जाएगा।
सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, फंक्शन को मनाएंगे और गरीबों का ख्याल रखेंगे। खास करके ईद उल अजहा में जब कुर्बानी होती है तो गरीबों का ज़रूर ध्यान दें कि उनको अपने तरफ से जो भी आप देना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।